हेलो डियर्स, वेलकम टू लैंड सर्वेइंग एंड ड्राफ्टिंग। इस वीडियो में हम दो लिस्प के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई ड्राइंग है और हमने उसी ड्राइंग के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लगाने हैं तो वो हम किस तरह लगा सकते हैं। दो लिस्प हम यूज़ करेंगे, एक है एक्स वाई, एक है एल बी। ये लिस्प सिर्फ एक्स और वाई यानी ईस्टिंग और नॉर्थिंग के लिए यूज़ होता है, जबकि जो एल बी है ये एक्स वाई जी के लिए यूज़ होता है। तो ये मेरे पास एक ड्राइंग है, इसी के अगर ये प्लाट के कॉर्नर के हमने कोऑर्डिनेट लगाने हैं तो सबसे पहले लिस्प लोड करेंगे, ए पी इंटर, जहाँ पे भी आपका लिस्प है उसको जाके सेलेक्ट करें। मेरे पास ये लिस्प है एक्स वाई लोड, जब आपको ये मैसेज आ जाए तो इसको क्लोज कर दें। इसकी कमांड भी जो है वो एक्स वाई ही है, तो एक्स वाई इंटर। मैं ऑब्जेक्ट स्नैप अपने को ऑन कर लेता हूं। ओके, अब मुझे इस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट चाहिए, मैं यहां पे क्लिक करके जहां पे भी जाके मैं क्लिक करूंगा मेरा कोऑर्डिनेट यहां पे प्लेस हो जाएगा। अब देखें ये टेक्स्ट बहुत छोटा है, अगर आप इस टेक्स्ट साइज को बड़ा करना चाहते हैं आप कमांड यूज करेंगे टेक्स्ट टीई एक्स टी इंटर स्टार्ट पॉइंट। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है स्पेसिफाई हाइट, अभी ये पॉइंट टू पे है तो मैं इसको वन कर देता हूं ताकि टेक्स्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। आप अपनी ड्राइंग के स्केल के हिसाब से यूज कर सकते हैं, इंटर। दूसरी चीज आपको पूछी जा रही है कि स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, मैं जीरो ही रख रहा हूं। और अब देखें अगर मैं यहां पे टेक्स्ट लिखता हूं तो ये विजिबल है। अब अगर मैं दोबारा कमांड यूज करता हूं एक्स वाई इंटर, लिस्ट क्योंकि ऑलरेडी लोडेड है, अब यहां पे देखें मैंने क्लिक किया तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स यहां पे आ गए हैं। अगर आप ये प्रसीजन चेंज करना चाहते हैं, ये देखें डिजिट के बाद फोर है, तो आप यू एन इंटर, यहां से आप प्रसीजन को थ्री कर दें। ओके, अब नेक्स्ट जो भी कोऑर्डिनेट्स आप बनाएंगे, देखें दोबारा अगर मैं करता हूं एक्स वाई इंटर, ये देखिए अब जो प्रसीजन आया ये थ्री डिजिट का है। इसी तरह जितने भी आपके पॉइंट्स हों, जितने भी कॉर्नर आपको चाहिए हो, आप उसको सेलेक्ट कर इस लिस्ट की मदद से अपने कोऑर्डिनेट लगा सकते हैं। अगर आप इस एरो को एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक और इसके प्रॉपर्टीज में आ जाएं। अब यहां से डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड है, टाइप अभी ये लाइन विद नो एरो पे है तो मैं इसको एस पी लाइन विद एरो करता हूं। देखें जैसे मैं एस पी लाइन पे कर्सर लेके जाता हूं यहां पे जो लाइन है वो चेंज हो रही है, एस पी लाइन विद एरो। अब ये देखें बड़ी नाइस कर्व्ड लाइन बन गई है। ये एरो का साइज छोटा है, यहाँ पे ये 0.5 है, मैं इसको 2 कर देता हूँ तो ये देखिए एरो का साइज आपका बढ़ गया है। बाकी को चेंज करना है आप मैच प्रॉपर्टी कमांड यूज कर सकते हैं, एम ए शार्ट की है, इंटर करके जो आपका बेस है उसे सेलेक्ट करें। देखें जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ वो लाइन भी चेंज हो गई है। दूसरे लिस्ट की तरफ आते हैं एल बी, इसके लिए भी जो कमांड है वो एल बी है, तो पहले लिस्ट को लोड करेंगे ए पी इंटर, जहां पे लिस्ट है उसको जाके सेलेक्ट करें। ये लिस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, लोड ऑलवेज लोड क्लोज। अब हम कमांड देंगे एल बी इंटर, मुझे ये कॉर्नर चाहिए, ये देखें मैंने क्लिक किया, देखें यहां पे ईस्टिंग नॉर्थिंग और एलिवेशन, क्योंकि मेरी ये ड्राइंग जीरो एलिवेशन पे है तो यहाँ पे जीरो शो हो रहा है। अगर आपकी ड्राइंग एलिवेशन में है तो आपके कॉर्नर का जो भी एलिवेशन होगा वो ये जीरो की जगह पे आपको शो होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपको इंटर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कमांड ऑलरेडी कंटिन्यू में है, तो जहां जहां पे आप क्लिक करते जाएंगे वहां वहां पे आपके कोऑर्डिनेट्स आप जो हैं लगा सकते हैं। देखें जहां पे भी मैं क्लिक करता हूं वहां पे कोऑर्डिनेट्स लग जाते हैं। कमांड को खत्म करने के लिए आप इंटर भी कर सकते हैं, एस्केप भी कर सकते हैं, आपकी जो कमांड है वो क्लोज हो जाएगी। एरो को एडिट करने के लिए सेम प्रोसेस है जिस तरह हमने एक्स वाई के लिए एडिट किया था, तो इस भी टेक्स्ट को और एरो को आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट साइज एडिट करने के लिए आपको अपने डायमेंशन स्टाइल से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप टेक्स्ट बनाएंगे इसके लिए आपने नया टेक्स्ट बनाना है टेक्स्ट की कमांड से, लेकिन एल बी के लिए जो आपने करना है वो अपने डायमेंशन स्टाइल में जो आपका टेक्स्ट होगा उसी का साइज आपने चेंज करना है। या आप इसे सेलेक्ट करके एक को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक सेलेक्ट सिमिलर, ये सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो गए हैं तो
कंट्रोल वन प्रॉपर्टीज। अब देखिए यहाँ पे इसकी टेक्स्ट हाइट है, ये वेरियस पे है क्योंकि ये हमने वन पे बनाया था, तो मैं इसको वन कर देता हूं, इंटर वन इंटर। ये देखिए अब मेरा सारे का सारा टेक्स्ट सेम हाइट में आ गया है। तो आप यहां से भी कर सकते हैं और अपने डायमेंशन स्टाइल से भी कर सकते हैं। दोनों लिस्ट मैंने वीडियो के लिंक में दे दिए हैं, कमांड ऑलरेडी आपके सामने है, एक्स वाई के लिए एक्स वाई और एल बी के लिए एल बी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।